आज की जो क्लास है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्लास 10th के मैथ का सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें वास्तविक संख्या के बारे में और कुछ नियम के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक तो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा पढ़ना है गणित की आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम उसे कहा जाता है वैसा फॉर्मूला जो किसी प्रश्न को हल करने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे एल्गोरिथम कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब होता है कि जब भी अगर कोई दो संख्या है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देने पर शेष या तो जीरो आ सकता है नहीं तो भाजक से कम आ सकता है। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक यही चीज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। और भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसी फॉर्मूला का जब बार बार इस्तेमाल करते हैं एचसीएफ किसी दो संख्या का एचसीएफ प्राप्त करने के लिए, तो इसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। इसलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर बी से छोटा और बी ए से छोटा होता है, मतलब ए सबसे बड़ा बी उससे छोटा और आर सबसे छोटा। अब यहाँ से आर बराबर क्या हो सकता है, जीरो एक दो तीन चार कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा बी से छोटा होगा। जैसे अगर किसी दो संख्या का हमें 56 और 25, ये दो संख्या है, ये दो संख्या का हमें एच सी एफ बताना है, तो इस दो संख्या का एच सी एफ बताने के लिए क्या करेंगे, 56 है तो इसको हम लिख सकते हैं 56 बराबर 25 से जब 56 को हम भाग देंगे तो ये दो बार डिविजिबल होगा, दो बार भाग लगेगा और सिर्फ रिमाइंडर से बच जाएगा। तो 25 दूना 50, 25 गुने 2 प्लस 6। उसके बाद फिर इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिर उसके बाद 25 को हम कितना से जो शेष बचता है उससे फिर भाग देते हैं, तो 25 को 6 से भाग देंगे तो 6 चौका 24, चार बार लगेगा शेष बच जाएगा एक, फिर उसके बाद 6 को 1 से भाग देंगे तो 6 बराबर 6 गुने 1 प्लस 0। तो जब भी अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब किसी संख्या को बार बार लिखा जाता है इस पैटर्न से और जब शेष 0 आ जाता है, r बराबर 0 आ जाता है, तो जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है, दो संख्याओं का एच सी एफ महत्तम कहलाता है। जब a बराबर बी क्यू प्लस आर और आर बराबर जीरो और आर बराबर जीरो हो तो b बराबर एच सी एफ हो। तो ये यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर सबसे छोटा होता है, बी उससे बड़ा होता है और ए सबसे बड़ा होता है, और क्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है, क्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है तो इसका सिर्फ महत्तम या एच सी एफ निकालने के लिए ही नहीं किया जाता है, इसका बहुत सारे चीज़ों को प्रूफ करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई भी अगर संख्या है, कोई भी अगर विषम संख्या धनात्मक विषम संख्या है तो वो 2q+1 के रूप का होगा, या 3q+1 या 4q+1 या 4q+1 के। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है तो इसका उपयोग सिर्फ हम एच सी एफ निकालने के लिए ही नहीं करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को प्रूफ करने के लिए, वास्तविक संख्या में किसी संख्या के रूप को किस रूप का हो सकता है उसको भी प्रूफ करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर जितना भी सम संख्या है वो 2q के रूप का होता है, इसको प्रूफ करने के लिए भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। कोई भी संख्या 3q, कोई भी विषम संख्या 2q+1 के रूप का होता है तो उसको भी प्रूफ करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। किसी संख्या का घन 9m+1 या 9m-1 के रूप का होता है, जब भी अगर किसी संख्या के घन को अगर हम 9 से भाग देते हैं तो या तो शेष 1 बचता है नहीं तो -1 बचता है,
तो इस तरह से उसको प्रूफ करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो क्लास टेंथ में हमें से पहले तो दो संख्याओं का मौसक ज्ञात करना है, तो उसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके और दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दूसरा चीज आ जाता है जो इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। इस चैप्टर में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ना है वो है गणित की आधारभूत प्रमेय, इसको कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। अब फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले हमें दो चीजों को समझना बहुत आवश्यक है, एक अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर कहा जाता है और दूसरा भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो उसको जाने, तो वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड तो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, और वैसा जिसका दो से ज्यादा गुणनखंड हो सकता है तो वैसे संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, लेकिन वैसी संख्या जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड हो तो उसे ना तो अभाज्य संख्या कहते हैं ना उसे कंपोजिट संख्या कहते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं ना उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे उस कैटेगरी में एक आ जाता है जिसे ना तो भाज्य संख्या कहते हैं ना तो अभाज्य संख्या, दोनों के लिए जो फॉर्मूला है उस पे ये ठीक नहीं बैठता है। तो एक को क्या लिख सकते हैं, एक गुण एक, इससे ज्यादा बदल करके नहीं लिख सकते, तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। उसके बाद दो है तो दो को हम क्या लिख सकते हैं, दो बराबर एक गुने दो या दो बराबर दो गुने एक, तो इसका दो गुणनखंड, इसलिए ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। उसके बाद तीन आता है तो तीन को भी उसी तरह से लिख सकते हैं, एक गुने तीन या तीन बराबर तीन गुने एक, अब इसी कारण से इसका दो गुणनखंड है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता तो इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। इसके बाद आ जाता है मेरे पास चार है, तो चार को हम लिख सकते हैं चार बराबर एक गुने चार, चार बराबर दो गुने। तो यहाँ से हम देख चुके हैं कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, तो इसे तो छोड़ करके ही चलेंगे। उसके बाद वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड होता है तो वो अभाज्य संख्या है, और दो से ज़्यादा गुणनखंड हो जाए जैसे चार के केस में आता है तो चार को हम लिख सकते हैं एक गुने चार, चार को फिर दो गुने दो और चार को फिर चार गुने एक लिख सकते हैं। इसलिए चार क्या है, भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, और दो और तीन अभाज्य संख्या है। उसी तरह से अभाज्य संख्या के लिस्ट में दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेईस उनतीस ये सब है। अब किसी भी अभाज्य संख्या को निकालने के लिए हमारे पास एक समीकरण है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस इकतालीस, ये जो समीकरण है इस समीकरण से हमें अभाज्य संख्या ही निकलती है। अगर n का कोई भी मान रखे उसमें हमें अभाज्य संख्या ही प्राप्त होता है, लेकिन n का जो मान है वो 41 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब भी अगर n का मान अगर 41 रख देते हैं तो उसे हमें भाज्य संख्या मिलेगा, उसके अलावा 41 के अलावा कोई भी संख्या रखे तो उसमें हमें अभाज्य संख्या ही मिलता है। अब यहाँ से अब हम आते हैं अब फिर इस गणित के आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स पर। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और वो भी यूनिक तरीके से, जब भी जितना भी दुनिया का जितना भी संख्या है जब उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा तो हर एक संख्या का गुणनखंड अलग अलग होगा, किसी भी दो संख्या का गुणनखंड एक जैसा नहीं हो सकता है। तो इसे ही कहा जाता है गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 24 है तो 24 को हम लिख सकते हैं दो गुने दो गुने दो गुने तीन, उसी तरह से 35 को लिख सकते हैं पाँच गुने सात, उसी तरह से 49 को लिख सकते हैं सात गुने सात, उसी तरह से 45 को लिखा जा सकता है तीन गुने
5। तो इस तरह से किसी भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे ही कहा जाता है गणित के आधारभूत प्रमेय। और इस तरह से आधारभूत प्रमेय, जब भी अगर किसी संख्या को, दो संख्या या तीन संख्या या चार संख्या, जब उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो उससे हम उसका एलसीएम और एचसीएफ बता सकते हैं। तो इस चैप्टर में वास्तविक संख्या में हम किसी भी संख्या का दो तरह से एचसीएफ बता सकते हैं। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बी से छोटा होता है और बी ए से छोटा होता है, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष, इसी का एडवांस रूप है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे बी ए को बी से भाग देने पर भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होता है, और जहाँ क्यू कोई भी पूर्णांक है, तो उसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और इसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है किसी दो संख्याओं के मसल ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसे एल्गोरिथम कहा जाता है। और दूसरा जो है वो गणित की आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हमेशा भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे ही गणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। और इस चैप्टर में हमें यही दो चीज़ पे अच्छे से, दो चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है।